हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एक बार फिर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी, सिरमौर, सोलन और शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। मानसून की एक्टिविटी मुख्यतः हमारे पास होती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है, तो अगस्त के महीने में हमारे पास नॉर्मल रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में रियलाइज़ की गई है, और जो सितंबर में भी है, देखिए अभी हमारे पास एक्टिविटी जो नॉर्मल है उसके आसपास ही चल रही है। जो अभी फिलहाल तक अगर देखेंगे जो हमारे पास 5 दिन हुए हैं तो उसमें +13% है सितंबर के महीने के लिए। और अगर सीजन देखते हैं, चूँकि हमारे पास जून और जुलाई में काफ़ी कम रेनफॉल एक्टिविटी हुई थी तो उसके चलते अभी -21% है। तो फिलहाल तो जो उम्मीद करते हैं कि जो सितंबर में रेनफॉल होगी तो लगभग नॉर्मल या 1-2% थोड़ा कम ही के रहने के चांसेस हैं हमारे पास, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल आप बोल सकते हैं कि रेनफॉल रहने के चांसेस हैं। जहाँ तक कि रेनफॉल एक्टिविटी की बात है तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव भी हमारे पास जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है, तो उसके चलते एक दो जगह पर कल वेरी हैवी रेनफॉल आपके पास रिपोर्ट की गई है। नैना देवी में रिपोर्ट की गई है 158 mm, और आज भी एक दो जगह पर जैसे कि आप सिरमौर है, सोलन है और शिमला और मंडी के आसपास एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल का एपिसोड आ सकता है हमारे पास, और बाकी आगे के जो दिन हैं उसमें रेनफॉल एक्टिविटी में कमी आने के चांसेस हैं। तो जो है रेनफॉल अगले जो वीक में है लाइट रेनफॉल ही रहने के चांसेस हैं। देखिए मुख्यतः हमारे पास लाइट से मॉडरेट रेनफॉल रहने के चांसेस हैं अगले नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में, लेकिन जो है आज कहीं कहीं पर जैसे कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट या सोलन या मंडी के आसपास एक दो जगह पर हैवी रेनफॉल जो कि लगभग 60 से 70 mm के आसपास रेनफॉल हो सकती है। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।